हेलो फ्रेंड्स, शालूज वेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जो वैसे तो व्रत में ही खाई जाती है, लेकिन आप इसे कभी भी खा सकते हैं। हम राजगिरे के आटे के पराठे बना रहे हैं, तो उसके साथ हम जो एक चीज मैं मिक्स करूंगी वो मैं आपको अभी बनाते समय बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं राजगिरे के आटे के पराठे बनाना। तो उसके लिए हमें जो चाहिए हैं वो ये, पहला तो है राजगिरे का आटा, और साथ में जो मैं आपको बता रही थी कि मैं जो ऐड करूंगी वो है सिंघाड़े का आटा। तो देखिए, हमें इसमें एक कटोरी राजगिरे का आटा और आधी कटोरी सिंघाड़े का आटा मिलाना है। और साथ ही हमें इसमें जो चाहिए है मिलाने के लिए वो है आलू, क्योंकि आलू के साथ ही हमें इसे मिक्स करना है। जो डो तैयार करना है वो आलू से ही करना है। ये तीन आलू मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। और साथ में हमें चाहिए हैं हरी मिर्च, अदरक, और हरी मिर्च और काली मिर्च इन्हें मैंने इस तरह से कूट के तैयार कर ली है। मिक्सर में नहीं पीसा, उससे कूटा है, जिससे अदरक कूटते हैं उससे कूट लिया है मैंने। और ये मूंगफली के दाने हैं, जो रोस्टेड दाने हैं, इन्हें मैंने दरदरा कूट के रख लिया है। और ये है सेंधा नमक, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए सेंधा नमक यूज़ किया है, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मुझे चाहिए है इन सब के लिए ये एक हरा धनिया है जो इसके साथ मिक्स होगा। अब बस इतने मसाले से हम पराठा तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे की प्रोसीजर। अब ये चटनी के लिए जो मुझे सामान चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हरी मिर्च और जीरा है, हरा धनिया, टमाटर, ये सारी चीज़ें हैं इतनी चटनी में डलेंगी। इसमें चटनी में नमक और नींबू भी डलेगा, तो मैं आपको फिर आगे बताऊँगी। अब ये हम कद्दूकस जिससे करते हैं उससे मैंने आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, हम तीनों आलू को कर लेंगे इस तरह से, पर मैं थोड़ा सा आलू अलग रखूँगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही उसमें हमें मिक्स करना है आटे में। ये देखिए, हमने आटा डाल लिया है। अब इसमें ये दोनों आटे साथ में मिक्स कर दिए, एक कटोरी और आधी कटोरी, उसी के हिसाब से हमने सारे चीज़ें ली हैं। ये देखिए, आप तीखा जैसा भी चाहते हैं वैसा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मूंगफली के दाने जो दरदरे कूट के रखे थे, ये है नमक। अब इसमें हमें आलू मिलाना है। तो देखिए, बहुत जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली रेसिपी है, और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। व्रत में अगर आपने इसे खा लिया तो पूरे टाइम का एक मतलब प्रॉपर आहार हो जाता है, इससे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, और वैसे भी खा सकते हैं नॉर्मल। ये देखिए, अब मैंने जो बचा हुआ आलू था इसे भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब अच्छे से हमें इसको मिक्स करके पूरी चीज़ों को और एक डो तैयार करना है। अच्छा टाइट डो बन जाएगा ताकि हम अच्छे से उसका पराठा बना सकें। ये देखिए, ऐसे। अब इसे मिलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी भी लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। अगर आपके आलू में मॉइस्चर ज़्यादा है तो पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और अगर आपका आलू ड्राई है, सूखा सूखा है थोड़ा सा, तो फिर आपको पानी डालना पड़ेगा, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मैंने तवा रख दिया है, नॉनस्टिक तवा रखा है। अब इसके ऊपर ही हमें पराठे बनाना है। आप इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करें, पर पूड़ी में क्या होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, तो फिर ज़्यादा ऑयल जो नहीं खाना पसंद करते हैं वो पराठा बना के खाइए इस तरह से, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है, पॉलीथीन, कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, उसे आप उस पर रख दीजिए, अपनी जो भी आपका चॉपिंग बोर्ड रहता है या जिस पर भी आप बनाना चाहें, थाली भी रख सकते हैं पलटा के, उल्टी करके। और ये मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया है, थोड़ा छोटा सा पेड़ा ले लिया है लोई, आप बड़ा छोटा साइज अपने हिसाब से रखिए, आपको जिस तरह से भी बनाना कंफर्टेबल लगे आप वैसा बनाइए। मैं बहुत बड़ी नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल जो पूड़ी का साइज़ होता है उससे थोड़ा बड़ा रखती हूँ। तो आप देखिए मैं किस तरह से बना, अगर ज़्यादा सॉफ्ट डो है तो आप हाथ से प्रेस करके भी इसे कर सकते हैं, वरना आप इस तरह से बेलन से भी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्का हल्का ही बेलन चलाइए उसके ऊपर, क्योंकि अपना जो डो है, जो आटा बनाया है अपने, बहुत सॉफ्ट है वो। ये देखिए, थोड़ा सा बेलन उस पर चलाया और एकदम तैयार हो गया ये बनके।
अब बस हमें इसे तवे के ऊपर डाल देना है, ऐसे आराम से निकाल लेना है, इजीली निकल जाता है, बहुत इजीली। ये हमने इसे इसके ऊपर डाल दिया है। आप एक साथ तवे पे 3-4 भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। धीरे धीरे अच्छे से पराठे वो सीख जाएंगे। आप मोटा पतला जैसा भी चाहें पराठा रख सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं खाने में। बहुत अच्छे कुरकुरे एकदम अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं, और जो मूंगफली हमने जो क्रश करके डाली हुई है ना बारीक बारीक कूट के, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, बाइट में बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। आपने बनाई होगी पूड़ी भी पहले बनाई होगी, पर आपने एक चीज़ शायद हो सकता है कि एक ही आटे से बनाई हो। मैंने ये दो आटे मिक्स करके बनाए हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। ये देखिए इस तरह से पलटाने के बाद इसमें ब्राउन कलर आ गया है, बिल्कुल जो अपने डेली के पराठे रहते हैं उसी तरह से। शेप आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहें दे सकते हैं, छोटा बड़ा। अब ये देखिए अपन चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए चटनी के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च है, और जीरा। आप इसमें अगर अदरक ऐड करना चाहें तो डाल सकते हैं। ये डाल दिया है। अब इसमें हमें नमक डालना है, मैं फलाहारी नमक डाल रही हूँ क्योंकि फलाहार के लिए बना रही हूँ इसलिए। अब इसमें हमें नींबू डालना है थोड़ा सा, और साथ ही मैंने ये बर्फ के दो टुकड़े डाल दिए हैं, इससे चटनी का कलर ग्रीन रहेगा, चटनी कलर चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये चटनी के बार पीसने के बाद और ये ग्रीन नहीं रहती है, इसीलिए हमने इसमें वो डाला है, बर्फ डाला है। अब ये देखिए प्लेट मैंने लगा दी है। ये दही, और दही भी मीठा खट्टा आप जैसा पसंद करें, तीखा पसंद करें तीखा आप दोनों प्रकार का रख सकते हैं। और ये चटनी है, आप इसे आलू की जो रस वाली सब्जी होती है ना, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आलू टमाटर की जो बनाते हैं डेली घर में, जो अपने हमेशा बनती है, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आलू की सब्जी और पराठा हो गया ना, अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का। तो बस आप ऐसे भी दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।